हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनिल अंसेना, फैकल्टी ऑफ सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। आज आप लोगों को मैं केमिस्ट्री कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा और मोस्टली मैं इस बात पे बिलीव करता हूं, पढ़ाने के बाद बिलीव नहीं करता, यहां पर मैं सिखाने वाले बात बिलीव करता हूं। तो आज मैं आप लोग कुछ यहां पर जो सिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे आपका यहां पर। और आज हम लोग को भी बताने वाला हूं कि हम लोग बिना एटॉमिक नंबर के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो ये सब हम आज ना बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में दिक्कत नहीं जाता है, उनको मोस्टली जो दिक्कत जाता है उनको यहाँ पर डी ब्लॉक में जाता है। तो मैं आज डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन डिस्कस करेंगे और साथ साथ में कुछ नई बातें और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो लेट्स स्टार्ट। समझो, सबसे पहले जो बात करेंगे बच्चे आज यहाँ पर, ये देखने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ये होता क्या है अपना, यहाँ पर समझेंगे पहले आप लोग। ये जो आज का लेक्चर है, 11th को हुए स्टूडेंट, 12th हुए स्टूडेंट, और जो मेरे पास क्या बोलना चाहिए, जो नीट या जेई के पेपर है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए यूज़फुल होने जा रहा है, यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। कहाँ तो डिस्कस करते हैं फिर, देखो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके बारे से बोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन जाने से पहले जाना पड़ेगा कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डी ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं और वो उनका पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा है। तो सबसे थोड़ा देखना चाहते हैं, है ना, कहाँ समझेंगे। देखो भाई, सबसे पहले देखना चाहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता कहाँ था, कब कहाँ पर। डी ब्लॉक एलिमेंट हम देखते हैं वो मेरे पास होता कहाँ पर है, डी ब्लॉक जो होता है यहाँ पर, इसको समझना चाहते हैं। तो आपको तो पहले ये पता होगा कि हमारे टेबल के अंदर चार ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 1 से 2 तक होता है, डी ब्लॉक जो होता है आपके 3 से 12 तक होता है, और जो पी ब्लॉक होता है वो 13 से 18 तक होता है। तो आज जो डिस्कस करेंगे आप कहाँ पर डी ब्लॉक डिस्कस करने वाले हैं, इट मीन्स डी ब्लॉक जो होता है उसको देखना चाह रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बताया बेटा ग्रुप नंबर कौन सा बोला, ग्रुप नंबर 3 to 12। स्टार्ट करता हूँ, देखो ग्रुप नंबर 3 to 12 का कौन सा लेंगे, पहला जाएगा ग्रुप नंबर 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, देन 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12। ये यहाँ तक आपका क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट है। इससे पहले अगर मैं 1 से 2 की बात करता हूँ, दिस इज कहेंगे एस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक बोलेंगे, एस ब्लॉक। और तुम्हारे यहाँ पर कह लेंगे 13 to 18 वाले जो आप कहाँ पर, इसे हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। तो हमें इन दोनों को डिस्कस नहीं करना है, ना तो मैं पी ब्लॉक बताने वाला हूँ ना ही एस ब्लॉक बताने वाला हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से याद है तो मैं बताना चाहता हूँ आपको क्वाड्रेशन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और ना ही डी ब्लॉक एफ ब्लॉक मेन ग्रुप एलिमेंट को दिखाना दिक्कत आने वाला नहीं है। तो डिस्कशन करते हैं, आप समझते हैं। देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं, समझते हैं ना कहाँ इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो मोस्टली बच्चों को पता हो तो आपका इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपका ये ग्रुप नंबर 13 से 12 तक होता है, अच्छी बात है। इसमें एक पीरियड, हाँ, इसका जो मेरे पास पीरियड नंबर है कौन सा बोलेंगे, पीरियड नंबर। इसे पीरियड नंबर कौन कौन सा होता है, स्वान समझेंगे। पीरियड नंबर ये स्टार्ट होता है बेटा, है ना, कहाँ पर पीरियड नंबर स्टार्ट होता है, 4 से 5, 6 और क्या बोलेंगे 7। मैं बताना चाहता हूँ डी ब्लॉक में ये मेरे पास होता है कहाँ पर, ये एन इक्वल टू 4 से स्टार्ट होता है और क्या बोलेंगे, एन इक्वल टू 7 तक चलता है, ठीक है। टोटल कितना बोलेंगे अब कहाँ पर, टोटल अगर मुझे बात करना चाहते हैं, इसमें एन की वैल्यू 4 से 7 तक है। अगर मैं टोटल एलिमेंट की अगर बात करता हूँ ना कहाँ पर, तो टोटल 40 एलिमेंट आएंगे, देखते हैं। इससे पहला एलिमेंट कौन सा होता है, बोलेंगे स्कैंडियम, क्या बोलेंगे स्कैंडियम। उसके बाद क्या आता है, टाइटेनियम, उसके बाद वैनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, देन क्या बोलेंगे निकिल, उसके बाद क्या बोलेंगे कॉपर, और लास्ट में क्या बोलेंगे जिंक। अगर आप लोग अगर काउंट करते हैं एलिमेंट कितने हुए, तो आपको एलिमेंट कितने मिलने वाले हैं, 10। कितने मिलने वाले हैं, 10। तो एक पीरियड में कितने होते हैं, 10 होते हैं। टोटल कितने पीरियड बेटा कहाँ पर, 4, तो 10 × 40, टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 40 एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे बोलेंगे, 40। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर टोटल एलिमेंट कितना है, 40। ये नंबर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने एलिमेंट बोलेंगे यहाँ पर, 40, ठीक है। कहा मतलब बोलना चाहता हूँ, टोटल डी ब्लॉक को 4 फ्रिज बांटा गए, एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 6, एन इक्वल टू 7। इनके एलिमेंट नीचे कौन कौन से हैं, ठीक है। कहाँ पर आपको मैं निमोनिक टेक्निक भी सिखाऊंगा, कहाँ पर नीचे कौन कौन से एलिमेंट देखना चाहते हैं, समझेंगे। स्कैंडियम के नीचे आता है ना, कहाँ स्कैंडियम नीचे कहाँ पता है, कहाँ पर इट्रियम, देन कौन सा बोलेंगे लैंथेनम, और देन क्या बोलेंगे एक्टिनम, ठीक है। इसको याद कैसे रखा जाए,
तो याद रखने का एक छोटा सा टेक्निक है, उसको याद रखेंगे आप कहाँ पर, स्कैंडियम सेकेंडियर लाएंगी एसी। क्या बोला, समझ में आ गया? अगर गर्मी लग रही है तो क्या बोल रहा हूँ आपका, आप लोगों में सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये तुम्हारा सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे, स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाना है। आज बिल्कुल एक नया चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है? कहाँ पर क्या बोला मैंने, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। उसके जस्ट बगल में एलिमेंट कौन सा बेटा, टाइटेनियम। टाइटेनियम के लिए क्या लगेगा कहाँ पर, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। चाय जानते हो, चाय थोड़ा सा कम लेना है तो बोलेंगे टी जरा हाफ। इसके लिए कैसे याद रखेंगे, टी जरा हाफ, मैं लिखते चलूं क्या, ये लो टी, इसके लिए जरा, इसके लिए हाफ, याद रहेगा टी जरा हाफ। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला एलिमेंट कौन सा है, आपको ऐसे याद नहीं रखना है, प्रॉपर्टीज ऐसा होता है, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं तो आपको ऐसे याद रखना कहा, इसको बोलते हैं ग्रुप, इसको बोलते हैं पीरियड। आपको पीरियड में कभी नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ग्रुप में पढ़ना है, ठीक है? चलो समझते हैं अगला, ये कौन सा बोलेंगे, वनेडियम। इसके लिए क्या लेंगे यहां पर, वे नवाब थे। कौन थे वे नवाब, आप उसको जानते हो, सैफ अली खान के पापा को जानते हो ना, कहां पर उनके पापा कहते बोलेंगे नवाब थे, तो क्या बोलेंगे वे इसके लिए नवाब थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अगला एलिमेंट कौन सा बोलेंगे, क्रोमियम। क्रोमियम के लिए क्या लेंगे यहां पर, क्रोमियम मॉडिप्लेटिनम, है ना? कहां पर इसको बोलते हैं यहां पर, क्रोमियम मॉडिप्लेटिनम क्या लेंगे आप कहां पर, ठीक है? कहां पर ये मेरे पास है, करोड़ों मोल वाली। इसके लिए क्या बोलेंगे आप, होता है टंगस्टन, यहां होता है क्या बोलेंगे तुम्हारा, टंगस्टन, ये लो भाई करोड़ों मोल वाली। इसके लिए मन ताके रे, ठीक है? कहां पर मतलब इसके लिए पर देखना, याद कैसे रखना है, ये तुम्हारा करोड़ों, यहां से मोल, यहां से वाली, इसके लिए मन ताके रे, ठीक है? कहां पर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कौन सा बोलेंगे, अगला एलिमेंट कौन सा है, आयरन। आयरन के लिए बोलेंगे फिर रूटा ओसो। ओसो एक संत थे, आई थिंक अब नहीं है, है ना? कहां पर फिर रूटा ओसो, ठीक है? आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अगला कौन सा बोलेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट के नीचे कौन आता है बोलेंगे, यहां पर यहां आता है रोडियम, यहां आता है इरिडियम। मतलब इसको कैसे याद रखेंगे कहां पर, देखो क्लास में बहुत सारे बच्चे ना रेगुलर आते नहीं है, ठीक है? तो हम लोग बोलते हैं ना, बच्ची नहीं आई है या वो नहीं आई है, तो क्या बोलेंगे, कौन रहेगी इन रेगुलर। कैसे याद रखेंगे बेटा इसको, कौन कौन रहेगी इन रेगुलर, कौन रहेगी इन रेगुलर। उसके बाद उसके बाद कौन सा एलिमेंट बेटा, निकिल। निकिल के लिए क्या बोलेंगे, घर वाले बोलते हैं ना, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, या ऐसे भी याद रखते हैं, किसी का दोस्त कोई पंडित है तो क्या बोलते हैं, नया पोंगा पंडित, ये भी चलेगा। क्या बोलेंगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे या नया पोंगा पंडित, वो भी चलेगा कहां पर, समझो। इसके बाद अगला कौन सा है, कॉपर फैमिली। कॉपर में क्या बोलेंगे यहाँ पर, कॉपर, ये तुम्हारे यहाँ कॉपर में दिखेगा, ये ए जी, यहाँ पर ए यू। इसको कैसे याद रखना है, क्यों आगे आऊं, क्या बोलेंगे, क्यों आगे आऊं। इस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनको बोलते बेटा सामने बैठ जाओ, तो बोलते हैं सर क्यों आगे आऊं, तो कह लेंगे क्यों आगे आऊं, ये तुम्हारे क्या बोलेंगे, क्यों आगे आऊं, ठीक है? याद रखना। एक बात और बोलना चाहता हूँ यार, इस फैमिली को बोला गया है कॉइनस एलिमेंट। क्या बोला गया है, कॉइन्स। क्यों बोलते हैं कॉइनस, पहले जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, देन किसके आए, चांदी के आए, देन किसके आए, कॉपर के आए, फिर हम लोग कहाँ उतर गए, जस्ते में उतर गए, देन कहाँ पहुंच गए, आयरन में आ गए, है ना? कहाँ पर अभी किसका चलता है बोलेंगे, आपने पास कागज में उतर गए हैं, पता चला फ्यूचर में प्लास्टिक उतर जाए, है ना? कहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये एलिमेंट कौन से बोलेंगे, कॉइन्स। इसके पहले कॉइन्स बनते थे, क्या बोलेंगे, कॉइन्स। अगर ये सब याद ना हो तो तुम जिंक फैमिली को कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना, जिंक कैडमियम मरकरी। इसको याद रखने का तरीका है, जिंदगी कबाड़ हो गई, सही बात है। अगर सब याद नहीं करोगे तो क्या जगह कहाँ अपने पास केमिस्ट्री में कबाड़े हो जाओगे, तो बोलेंगे जिंदगी कबाड़ हो गई। ये तुम्हारा डी ब्लॉक के एलिमेंट है। इसके नीचे कुछ एलिमेंट और भी हैं, लेकिन अभी तुम्हारे काम के लायक नहीं है ना, कहाँ पर बोलो तो मैं डिस्कस कर दूँ, अभी इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। एक बार काउंट कर लेंगे, टोटल कितने आएंगे बोलेंगे, 14 एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे बोलेंगे, 14, ठीक है? कहाँ पर यह मेरे पास नीचे के एलिमेंट डिस्कस भी करना है तो मैं कर देता हूँ, समझो। यहाँ क्या बोलेंगे आप पर देखना, एक बहुत अच्छी किताब आती है 10th क्लास तक, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, आर डी शर्मा किताब बोलते हो, याद है? जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहता है, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, सुनना। तो उसी पर एक छोटा सा टेक्निक बनाया है याद रखने के लिए, सुनना। एक मेरे पास क्या बोलेंगे किताब है, जिसका नाम है, जिसका राइटर है आर डी शर्मा। क्या बोलेंगे, आर डी शर्मा। उसके आगे भूटान हिंदुस्तान में दोस्ती, ठीक है? कहाँ पर, और लास्ट में क्या लेंगे आप कहाँ पर, आर सी। क्या बोलेंगे, आर सी, मतलब आर सी बी।
तो इसको याद रखेंगे, आर मतलब रोंगेंटिनम, हेल्प कहाँ पर, आर मतलब रोंगेंटिनम ठीक है, कहाँ पर, रदरफोर्डियम ठीक है, कहाँ इसको बोलते हैं डिबोनियम, ये तुम्हारा सीबोर्गियम, ये तुम्हारा बोरियम, ये तुम्हारा मैस्टेटियम, ये तुम्हारा हेसियम, ये तुम्हारा हेसियम, ये तुम्हारा मैस्टेटियम, ये तुम्हारा डेसियम, ये तुम्हारा रोंगेंटिनम, और ये तुम्हारा क्या बोलेंगे कूपरनिकम, ये तुम्हारा आरजी रोंगेंटिनम और क्या बोलेंगे कूपरनिकम। एक बार याद रखना बेटा, यही मेरे पास एग्जाम में पूछा गया था किसी प्रीवियस ईयर पेपर में, जिसका आंसर क्या था, इनकरेक्ट था, बताऊंगा ये आरजी क्या बोलेंगे रोंगेंटिनम है। रोंगेंटिन वो साइंटिस्ट था जिसने एक्सरे का डिस्कवरी किया था, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। अब काउंट कर लेंगे टोटल डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं तुम लोगों को, टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने बोलेंगे, अब कहां पर टोटल कितने बोलेंगे, 10 + 10 + 10 + 10 = 14। यहां तक किसी को दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलो तो या तो आप इसको कहां पर नोट कर ले या तो स्क्रीनशॉट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर मैं टॉपिक जो स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरा टॉपिक ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में स्टार्ट मेरे को यहाँ से करना था, लेकिन आपको एलिमेंट भी याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे चल के डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, काम समझते हैं। तो जैसे मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ, देखना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बताना चाहते हैं, सिंपल से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने जनरली ये पूछ लिया, बेटा ये बताइए इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पता है बच्चा पहले क्या बोले क्लास में, सर पहले ये तो बता दो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मैं तुम्हें आज एक ऐसा निंजा टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसमें एटॉमिक नंबर तो बहुत दूर की बात है, उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, उसको बिना देखे बिना एटॉमिक नंबर याद किए आप मेरे पास किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर। इस टेक्निक का नाम है कहाँ पर, मेरा नाम अनिल भैया, तो उसका नाम है कहाँ पर, अनिल सर टेक्निक। टेक्निक का नाम क्या ना बोलेंगे आप कहाँ पर, अनिल सर टेक्निक, ठीक है, कहाँ पर। आपको बता रहा हूँ, मैं इतना गारंटी देना चाहता हूँ, आप हो सके तो घड़ी देखते रहेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिशन में एक मिनट लगता है, मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके में आप घड़ी देखते रहना, 60 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, तुम्हारे क्वेश्चन 15 से 20 सेकेंड के अंदर आराम से बन जाएंगे और तुम खुद जवाब दोगे, ठीक है, कॉपी पेन उठानी पड़ेगा वहाँ पर। आप ऐसे मुंह में आप ओरली बोलोगे कि सर इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, यहाँ पर। तो मेरे तरीके के लिए थोड़ा सा ध्यान दे भैया, वहाँ पर क्या करना है समझते हैं। चलो स्टार्ट करें फिर, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आज जो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एटॉमिक नंबर, मैं आज तुम्हें डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए नया होने जा रहा है, नोवेल मेरे पास बोलना चाहिए कि नोवेल लेक्चर है। अगर पसंद आए तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और अपने दोस्तों में यहाँ पर वीडियो जरूर भेजें, ठीक है, कहाँ पर और बताएं, है ना, कहाँ समझ देखते हैं। तो स्टार्ट करते बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम लोग यहाँ पर बिना एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए कुछ कुछ बातें आपको जानना है, वो बातें क्या उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले डिस्कस क्या करना है ध्यान सुनना, सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, देखो पहले कहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो समझते हैं इसको हम लोग, पहले क्या होता है पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो होता है n-1d 1 to 10, और क्या बोलेंगे यहां होता है ns 0 1 to 2। एक बात अंडरस्टूड है, समझ रहे हो ना, एक बात अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड समझते हो, कहां पर जो है वैसा ही है। फिर बोलना चाहता हूं पानी कैसा होता है, वह लिक्विड होता है, अंडरस्टूड है कहां पर। तो बताना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं अंडरस्टूड है कहां पर, कि इसके पहले क्या रखा है, बोलेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्या बोलेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अंडरस्टूड है, हमें सिर्फ वैलेंस शेल से मतलब है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखना है, जिसका मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर n-1d 1 to 10 ns 0 1 to 2, बस खत्म। इतना जिसको याद है सब कुछ कर लेगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, इस बात को सुनेंगे, है ना, कहाँ पर समझेंगे। मैं टोटल टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा हूँ, कितने ब्लॉक बांटा हूँ, 4 ब्लॉक में, कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस मतलब होता है मेरे हिसाब से सीधा, पी मतलब पता नहीं जी, डी मतलब डिफाल्टर ब्लॉक, ध्यान सुनेंगे डिफाल्टर ब्लॉक, एंड एफ मतलब क्या बोलेंगे फालतू ब्लॉक। मैं डी को डिफाल्टर क्यों बोलता हूँ, तो उसके इलेक्ट्रॉन आते कहाँ पर हैं, डी पे हैं, आते डी पे हैं, निकलते एस से हैं। अब सोचो कोई डी से आया, दरवाजे से आया और साइड से गया, मतलब क्या समझे, इसका मतलब वहां पर कोई दरवाजे से आ रहा है और साइड से आ रहा है, तुम्हें बस रियल आदमी तो नहीं होगा भैया, डिफाल्टर होगा कहाँ पर। तो डी ब्लॉक कैसे बोलेंगे, डिफाल्टर है। उनकी खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉन कमिंग क्या बोलेंगे यहाँ पर डी, एंड आउट फ्रॉम द कहेंगे एस सबसे, सो इस कॉल करेंगे डिफाल्टर, डी फॉर दरवाजा एंड एस फॉर साइड, एस फॉर क्या बोलेंगे साइड, दरवाजे से आते हैं साइड से निकल जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात और, डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होते हैं बोलेंगे यहाँ पर
जो आप बाउ रूल को फॉलो नहीं करते, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आप बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, जो फॉलो करते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट है और जो फॉलो नहीं करते हैं वो एबनॉर्मल एलिमेंट है। तो मैं पहले ये बता दूं कि कौन कौन से एलिमेंट नॉर्मल है और कौन कौन से एबनॉर्मल है। भैया सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल नजरें हटाना नहीं आज के लेक्चर में, ठीक है, ध्यान सुनना। तो बताना चाहता हूं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं एबनॉर्मल होते हैं। पहली बात, हर बच्चों को पता है, 11वीं क्लास से 12वीं क्लास बच्चों को ये पता रहता है, दो एलिमेंट को पढ़ कर रख लेते हो, बोलते हैं कि सर दो एलिमेंट हमारे एबनॉर्मल हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, एक तुम्हारे क्या बोलेंगे क्रोमियम, एक क्या बोलेंगे क्रोमियम, अगला क्या बोलेंगे कॉपर। थोड़ा मैं अलग कलर लेना चाहता हूँ यार, ये कलर अच्छा नहीं लगा भैया, कहाँ, चलो दूसरा कलर देखते हैं, ले लिया मैंने यहाँ पर येलो कलर से, सर्कल करता हूँ, समझना कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एबनॉर्मल है। तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा, ध्यान सुनना, टोटल डी ब्लॉक में एलिमेंट कितने होते हैं मेरे साथ जवाब देंगे 40, कितना बोलेंगे 40, उस 40 में क्या बोलेंगे 11 एलिमेंट, ध्यान देना नंबर पे गौर करेंगे, टोटल एलिमेंट कितने बोलेंगे 40 में क्या बोलेंगे, कुछ एलिमेंट कैसे हैं नॉर्मल है, कैसे बोल रहा हूं मैं नॉर्मल, और कुछ लोग कैसे बोलेंगे एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता है, एबनॉर्मल क्या बोलोगे एबनॉर्मल, समझ में आ रहा है क्या, नॉर्मल ऐसे होते हैं जो आप और उनको फॉलो करते हैं और एबनॉर्मल जो आप और उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो एबनॉर्मल कितने होते बेटा, एबनॉर्मल होते हैं यहाँ पे 11 एलिमेंट। अब सोचो 40 से मैंने 11 माइनस कर दिया कितना बचेगा, 40 में 11 माइनस करते बन जाएगा 29, मतलब पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट 29 एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्या करेंगे बोलेंगे यहाँ पर आप और उनको फॉलो करेंगे और 11 आपके आप और उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो देखना नॉर्मल के लिए कैसे कॉन्फिगरेशन बनाना है और एबनॉर्मल के लिए कैसे बनाना है, थोड़ा ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, इधर समझेंगे, समझते हैं भाई, इधर देखते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक ही तरीका बोलूंगा, ज्यादा तरीका लेकर टाइम पास नहीं करेंगे, कहां पर एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा इसको, मैं एकदम सिंपल वे में समझते हैं, समझना। जितने भी एबनॉर्मल है, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मेरे को बिना एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जरूरी क्या चाहिए, मैंने लिखा क्या बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया डी ब्लॉक का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या बोलेंगे, अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था बोलेंगे n माइनस क्या बोलेंगे 1, n माइनस 1 d 1 2 क्या बोलोगे 10 और ns क्या लिखोगे 0 1 2 2 ये था ना। तो मेरे को अगर मेरे पास क्या करना है बोलेंगे इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा और मैं साफ साफ बताना चाहता हूं तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया हुआ है, कौन कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8, इसके लिए 12, समझ में आ गया क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो बस एक काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन है क्या चीज, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, बस इलेक्ट्रॉन को क्या ऑर्बिटल डालना है, हमारे पास देखते हैं कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल, दरवाजे वाले और साइड वाले, दरवाजे और साइड में डाल देना है, बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कहां पर बिना एटॉमिक नंबर के। स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान देना जो एलिमेंट एबनॉर्मल है या जो एलिमेंट क्या है नॉर्मल है, याद रखना 2 ऑर्बिटल है, एक तुम्हारे पास एस है, एक आपके पास कहेंगे डी है, जो नॉर्मल है ना उसके एस में कितने डालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कितने डालने हैं 2, बाकी जो बच गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे डी में, कहां जाएंगे डी में। इसके लिए क्या करना है गुरुजी, एबनॉर्मल के लिए क्या करेंगे, तो एबनॉर्मल के लिए सिंपल सी कहानी है, एस में इलेक्ट्रॉन कितना डालना है, एस में इलेक्ट्रॉन कितना डालना है, एस में जो इलेक्ट्रॉन डालना है एक डालना है और डी में कितना डालना है रिमेनिंग, हिंदी में मतलब होता है बचा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहां जाएंगे डी में जाएंगे, कहां जाएंगे डी में। तो स्टार्ट करें, चलो अब देख के बताओ मैं कौन से एलिमेंट का पहले निकाल दूं, अब बताना चाहता हूं कौन कौन से एलिमेंट यहां पर एबनॉर्मल है कौन कौन से नॉर्मल है। तो मैं सर्कल बनाना चाहता हूं, पहले तुम्हारा क्रोमियम कैसा है बोलेंगे एबनॉर्मल, कॉपर कैसा बोलेंगे एबनॉर्मल, मैं टोटल 11 एलिमेंट बोला 11 गिनाऊंगा, कॉपर के नीचे कौन आता है एजी, ये भी क्या बोलेंगे एबनॉर्मल, उसके बगल में कौन आता है पैलेडियम, उसके बगल में कौन आता है रोडियम, उसके बगल कौन आता है रुथेनियम, ध्यान देना कॉपर के नीचे एजी, उसके बगल में पीडी, आरएच, आरयू, एक छोड़ के मॉडिब्लेडियम और क्या बोलेंगे नियोबियम, ठीक है, उसके नीचे एजी के नीचे कौन आता है एयू, कौन आता है बोलेंगे एयू, यहां कौन आता है पीटी और इस सीयू खानदान के सब के सब एबनॉर्मल है, यहां कहना आता है आरजी, काउंट कर लेंगे बेटा टोटल 11 एलिमेंट एबनॉर्मल शो कर रहे हैं। पहले पीरियड में कितना है, पहले पीरियड में कितना है 2, यहां कितने मिल रहे हैं बोलेंगे 2 एबनॉर्मल शो कर रहे हैं, यहां कितने शो कर रहे हैं 2, यहां कितना शो कर रहा है 1, तो यहां कितना हो जाएगा 6, ऐड कर लेना भैया जोड़ना आता है ना, 2 और 6 कितना बोलेंगे 8 और 8 और 2 10, 10 और कितना लेंगे 11,
ग्यारह क्या करेंगे, एबनॉर्मल होंगे। क्या होंगे बोलेंगे, एबनॉर्मल। अब स्टार्ट करते हैं, मैं तरीका बता दिया हूं, जो भी एबनॉर्मल है उसमें कितना रखना है, एक डी में कितना करना है रिमेनिंग, जो नॉर्मल उसमें क्या करना है उसके एस में कितना रखना है दो, और बाकी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे डी में। अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं। कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, हड़प कहां पर, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस में निकालूं, हड़प कहां, अगले लेक्चर में बता दूंगा मैं किस में निकालना है, ठीक है, कहां पर आप जो भी बोलना चाहते हैं उसके ऊपर निकाल दूंगा, ठीक है, कहां, ध्यान देना। एक बात और सुनना, एक बात पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, एनसीईआरटी में कुछ गलतियां हैं, एनसीईआरटी में 70-80 गलतियां हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, एनसीईआरटी किसी भगवान लिखा नहीं है कि उसमें गलतियां नहीं होंगी, 70-80 गलतियां हैं, ध्यान देना। टेक्नेटियम में उसने कॉन्फ़िगरेशन गलत बताया है, उसको ठीक कर लेना। टेक्नेटियम वो एलिमेंट बताना चाहिए, थोड़ा कृषि हिस्ट्री सुन लो, टेक्नेटियम वो एलिमेंट है जिसको ह्यूमन ने पहली बार बनाया था, वो भी टेक्नोलॉजी से, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेक्नेटियम, ध्यान देना। नेचर में मिलने वाला एलिमेंट नहीं है टेक्नेटियम, इसको ह्यूमन ने बनाया, सबसे पहले एलिमेंट किसको सिंथेसाइज किया गया, वो एलिमेंट है तुम्हारा टेक्नेटियम, इसे ध्यान देना। टेक्नेटियम रूल को फॉलो करता है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं, करेक्ट कर लेना एनसीईआरटी में जाके यहाँ पर, ठीक है, डी ब्लॉक लेने जाकर यहाँ पर करेक्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना, तो मुद्दे की बात करते हैं हम लोग, मुद्दे पे आ जाते हैं, फिर से समझते हैं हमें किस एलिमेंट का क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो कोई बच्चा बोलना चाहता है, अब बोल तो नहीं पाएगा, मैं ही बोल देता हूँ, चलो जो तुम्हें पहले आता है उसको पहले कर लेते हैं, पहले सर्टिफाइड हो जाए कि हम निकाल रहे हो सही गलत। चलो पहले निकालना चाहते हैं क्रोमियम का, किसका बोलेंगे क्रोमियम, मेरे को निकालना चाहता हूं क्रोमियम का कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा क्रोमियम उठा लो, यहां से एलिमेंट दिया है, अच्छी बात है, एक काम कर लो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के बोलो कितना लिख रहा है, कितना लिख रहा है सिक्स, क्या बोलेंगे सिक्स, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है सिक्स, इसे डी और एस में बांटना है हमारा, इसके लिए याद रखना क्रोमियम के लिए एन का वैल्यू कितना है, तो एन सामने लिखा हुआ है, एन के वैल्यू कितना बोलेंगे फोर, कितना बोलेंगे फोर, एन का वैल्यू कितना हो गया फोर, बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला पता है कितना होता है, बोलेंगे n माइनस वन डी, और क्या बोलेंगे एन एस, तो n माइनस वन, एन में कम करना है कितना जाएगा थ्री डी हो जाएगा, ये तुम्हारा फोर एस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बांटने की बारी है, चेक करो क्रोमियम नॉर्मल की एबनॉर्मल है, क्रोमियम नॉर्मल की एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं एक, तो रख दो भाई एस में एक इलेक्ट्रॉन, ये लो जी उठा के रख दिया, एस में इलेक्ट्रॉन रख दिया एक, अब छह में कितना गया एक, कितना बचा पांच, रख दिया पांच, बन गया कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना मेरी बातों को, क्या मैंने कहीं पर भी एटॉमिक नंबर का जिक्र किया, ना ही करूंगा, अलग ही तरीके पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, समझो। तो बताना चाहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेक कर लेना, गूगल कर लेना, फेसबुक ट्विटर व्टर इंस्टा सब कर लेना, यही मिलेगा, समझ में आ गया क्या, आगे बढ़ते हैं। अब बोलो अगला एलिमेंट किसका निकाले, जिसको बोलोगे निकाल देते भाई। चलो चलिए मैं इस आंसर से पूछता हूँ, इस आंसर बताएंगे, बताइए इस आंसर किसका निकालें, जिसका ही बोलेंगे उसका निकालेंगे यार। चलो इस आंसर का नाम आई से स्टार्ट होता है ना, इस आंसर का आई से यहाँ पर उनका नाम बोलेंगे इरिडियम, हाँ आई फॉर इस आंसर, आई फॉर इरिडियम, ये क्वेश्चन इस आंसर को डेडिकेट भैया कहाँ पर, समझो बहुत मेहनती बंदे हैं, ध्यान सुनना कहाँ पर, इरिडियम का निकालते हैं, किसका बोलेंगे इरिडियम, ये लो इरिडियम, इरिडियम के लिए सबसे पहले काम करते हैं, इरिडियम के पहले एन बोलो बेटा कितना है, एन 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 एन, एन का वैल्यू कितना हो गया सिक्स, इस इरिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलेंगे नाइन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलेंगे नाइन, वेरी गुड, बोलो एन की वैल्यू सिक्स तो क्या जाएगा बोलेंगे सिक्स एस हो जाएगा, और कितना जाएगा यहाँ पर फाइव डी हो जाएगा, क्या बोलेंगे फाइव डी, एन क्या लेंगे सिक्स वन, लो कहाँ पर, ये तुम्हारा क्या बोलेंगे यहाँ हो जाएगा फाइव डी, ये तुम्हारा जाएगा सिक्स एस, रख दो भाई इलेक्ट्रॉन रख दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोलेंगे नौ, नॉर्मल के अब नॉर्मल नॉर्मल, तो नॉर्मल के एस में कितना रखना है दो, कितना रखना है दो, तो यहाँ उठा कर रख दिया क्या बोलेंगे दो, कितना बच गया तुम्हारे नौ में कितना चला गया दो चला गया, कितना बच गया बोलेंगे सात, तो ये हमारे इरिडियम सर का या इरिडियम एलिमेंट का क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, समझ में आ गया। किसी भी एलिमेंट का बोलो, किसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन एक बात याद रहे, एक बात बोलना चाहता हूँ, वो बात क्या है बेटा, आपने साफ साफ लिखा है, एक बात देखना समझना, कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं, कुछ नया चीज़ एकदम नया चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, समझना तो ध्यान देंगे सर, ये बात तो अच्छी है, आपने बहुत अच्छा सिखाया हमें यहाँ पर कि एन माइनस वन डी वन टू टेन है, एन एस वन एन टू के लिए सिखा दिया, सर जीरो किसके लिए होता है, सर आपने जीरो भी लिखा है, तो जीरो भी कैसा है नॉर्मल की एबनॉर्मल है सर, तो बताना चाहता बेटा जीरो भी कैसा है एबनॉर्मल, ये जीरो का मतलब क्या बेटा, जीरो जीरो भी आ रहा है ना, एस में जीरो भी रख लो कभी कब कहां पर, आपने लिखा ना एन एस जीरो वन टू टू, तो जीरो कब लेंगे, तो बहुत सिंपल है, जीरो उसके लिखा जाएगा इसमें दो जीरो होगा, वैसे ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसमें दो जीरो दिख रहे हैं, किसी को दिखा क्या, हमें तो दिख रहा है भैया, दिखाते हैं
गौर से देखना, मैं दो जीरो बनाता हूं, ये तुम्हारा एक जीरो, ये तुम्हारा दूसरा जीरो, एक डंडी नीचे एक डंडी ऊपर, कौन सा एलिमेंट हो गया ये? पैलेडियम। पैलेडियम दुनिया का वो इकलौता एलिमेंट है जिसके एस में ऑलरेडी कितना होता है ग्राउंड स्टेट में? जीरो इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? जीरो। ये जीरो किसके लगाने वाले हैं? पैलेडियम। और पैलेडियम कहां? नॉर्मल में है कि एबनॉर्मल में? एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मल में 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिसके एस में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन। और एक एलिमेंट ऐसे है जिसके एस में कितना होता है? जीरो। और एक ऐसा कौन सा एलिमेंट जिसका नाम कर लेंगे? पैलेडियम। क्या बोलेंगे? पैलेडियम। समझ में आ गया क्या? एक बार पैलेडियम का देख लो कॉन्फिगरेशन कैसे निकालेंगे, समझो, देखते हैं भाई कैसे निकाला जाएगा। बोलो पैलेडियम, पैलेडियम के लिए एबनॉर्मल, नॉर्मल के एबनॉर्मल, एबनॉर्मल एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 10। उसके एंड के वैल्यू कितना दिख रहा है? बोलेंगे 5। तो क्या लिखेंगे? 5s। और क्या बोलेंगे उसके पहले? क्या जाएगा? बोलेंगे 4d। चलेगा 4d इन, क्या बोलेंगे? 5s। s में इलेक्ट्रॉन कितना रखना है? 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो 4d 10, 5s 0। ये तुम्हारा पैलेडियम का कॉन्फिगरेशन है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है पीवाईयू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि वो पहला एलिमेंट बताइए जिसके एस में ऑलरेडी जीरो होता है। तो भैया वो कौन है? पैलेडियम है। कौन बोलेंगे? पैलेडियम। नोट डाउन, आप किसी का भी निकाल लेंगे इस तरीके से, बस आपको ध्यान देना बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए। ये तुम्हारा एक तरीका था, ठीक है? चलो ठीक है, तो इतना लोग ट्राई करिएगा। अब कहाँ पर और कोई दिक्कत आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो सद्देवानी पीटी कॉलेज कहाँ पर है, जो मेरे पास चैनल है उस पर मेरे को कमेंट करके भेज सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। कहाँ पर? या आप मेरे को मेल कर सकते हैं, सचदेवा का ईमेल आईडी है उससे मेल कर सकते हैं, या इनका मेरे पास यहाँ पर इंस्टाग्राम में पास अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा और सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल एक नया तरीका है, बच्चों के यहाँ बहुत दिक्कत रहता था। क्या दिक्कत बोलेंगे? एटॉमिक नंबर से निकालते थे, अब मेरे पास इसमें किसी भी एलिमेंट का एटम की जरूरत नहीं है, बिना एटॉमिक नंबर के मैं सब कुछ कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चों।